बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ इंतहाई अहम खबर तालीमी इदारों के मुतालिक शेयर करने जा रहे हैं। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो केसेस रिपोर्ट होने हैं उनकी जो यूमी शरह है वो मुसलसल बढ़ रही है। ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो शहर हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ अजला हैं, वहाँ पर कोरोना का जो फैलाव है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस हवाले से हुकूमत ने भी बड़ी खबरदार कर दिया है। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए, डी स्टूडेंट्स आप तमाम तलबा के लिए इंतहाई अहम खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तालीमी इदारों को दोबारा जो है वो बंद करने के मुतालिक, स्कूलों को दोबारा बंद करने के मुतालिक तमाम तालीमी इदारों को अचानक तौर पर यह फैसला सामने आया। बड़ी खबर तमाम तलबा को देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूँगा आने वाले नई व्यूअर्स से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दें ताकि न्यू आने वाली जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपको बड़ी और अहम खबर जो है वो देने जा रहे हैं। स्कूलों के मुतालिक NCUC का इजलास हुआ जिसमें मुल्क के अंदर कोरोना पाबंदियाँ सख्त करने का फैसला किया गया। और यह इजलास वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के जेर सदारत हुआ। इसमें तालीमी इदारों के मुतालिक जो है वो ये फैसला किया गया, महकमा सेहत ने जो है वो तजवीज़ तैयार की थी कि स्कूलों को दोबारा बंद किया जाए, क्योंकि जो शफकत महमूद भी काफ़ी बार ये कह चुके थे कि हम जो फैसला करते हैं वो सेहत को देख कर किया जाता है। तो अब महकमा सेहत की तरफ से ये तजवीज़ तैयार की गई थी स्कूलों को फौरी बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना की जो चौथी लहर है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। लेकिन जिन अजला में अभी कोरोना वायरस ज़्यादा है वहाँ पर तालीमी इदारे बंद करने का चांस जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आपको बताएंगे। ज़्यादा चांस जो है स्कूलों को जल्द ही बंद किया जाएगा। आपको मुकम्मल और ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर